नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह जनरल नॉलेज सेक्शन है जेबीटी 2020 का एग्ज़ाम जो 19 जुलाई को कंडक्ट किया गया उसका। तो आइए उसके जीके के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज़ ए है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है जो हमारा जीके का है वो है, एट विच प्लेस फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला रेडियो स्टेशन कब एस्टेब्लिश किया गया? तो इसका सही उत्तर है, कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? इसका सही उत्तर है शिमला, और यह किया गया था 1955 में, ठीक है। और ये 1956 से ये ऑपरेशनल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बसोदन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो बसोदन दर्रा है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। इसका सही उत्तर है चंबा। चंबा में कहाँ है? इसका भाटियाट जो इसका उपमंडल है उसमें स्थित है ये, ठीक है। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से हाइट कितनी है इसकी? लगभग 2400 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। भारत के किसी भी राज्य के गवर्नर बनने के लिए मिनिमम उम्र सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है 35 वर्ष, ठीक है। और गवर्नर बनने के लिए जो दूसरी कंडीशन है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विधानसभा विधान परिषद और पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही गवर्नर बन सकता है, मिनिमम उम्र 35 साल। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माउंटेनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो किस जगह स्थित है? तो फ्रेंड्स, मनाली में स्थित है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। तो ये मनाली में स्थित है, बहुत ही ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है ये इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसे राजा भूरी सिंह की याद में 1908 को बनाया गया था। इसमें चंबा रियासत के जितने भी एंटीक्विटीज़ हैं वो रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ व्यास रिवर। व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है विपाशा। अगला क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम इज़ नोन बाय व्हाट नेम। बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? इसे बाबा कांशीराम को जाना जाता है पहाड़ी गांधी नाम से। बाबा कांशीराम का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1882 को, ठीक है। और इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और बाबा कांशीराम के बारे में एक और बात है, 23 अप्रैल 1984 को इंदिरा गांधी ने इन बाबा कांशीराम के नाम पर एक टिकट भी जारी किया था, एक डाक टिकट भी जारी किया था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी जगह पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 84 सीरीज़ ए जेबीटी 2020 पेपर का, विच बॉक्सर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स इन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो ये बहुत ही फेमस है हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्पोर्ट्स महिला, जिनके ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है प्रियंका चोपड़ा द्वारा, MC मैरी कॉम। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? मणिपुर, ठीक है। और ये इनको अभी पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्शिप ऑफ जमलू देवता, जमलू डाइटी, ठीक है। जमलू देवता कहाँ पूज्य है?
तो इसका सही उत्तर है मलाना। मलाना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कुल्लू। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 352। इसमें आता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 इसका आता है स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और आर्टिकल 360 इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं की गई है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लागू की गई है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, HS एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 3 बार। पहले बार 1965 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। तो 1965 और 1971 के तहत ये भारत पाकिस्तान लड़ाई, और भारत दोनों बार भारत पाकिस्तान लड़ाई के तहत लागू की गई थी। और 1975 में ये एक इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल सिचुएशन थी जिसमें उन्हें लागू करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ ATM इज़? तो इसका सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका स्थापना का मकसद आने फ्यूचर में कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए की गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही हानि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ लवी फेयर इज़ हेल्ड? लवी फेयर किस महीने मनाया जाता है? लवी फेयर नवंबर में मनाया जाता है। लवी फेयर एक हिमाचल का सब बहुत ही पुराना इंटरनेशनल फेयर है, और इसकी शुरुआत की गई थी रामपुर बुशहर के राजा राजा केहरी सिंह ने, ठीक है। और इसका मकसद था कि रामपुर बुशहर जो रियासत थी उसका ट्रेड तिब्बत से बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड? आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का हेडक्वार्टर जो है हमारा जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। वन वॉज द शिमला एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? शिमला एग्रीमेंट 4 जुलाई 1972 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। इसका ये हुआ था 1971 जब पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके पश्चात 1972 में शिमला एग्रीमेंट किया गया था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और उनको उन्होंने रिलीज़ किया था। अगला क्वेश्चन है, कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसका सही उत्तर है कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ये ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के ये ईस्टर्न कोस्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट संजय विद्युत परियोजना इज लोकेटेड? संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? संजय विद्युत परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है। इस परियोजना को भाभा जो एक सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है उस पे बनाया गया है, इसलिए इस परियोजना को भाभा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वुमेन ऑफ हिमाचल वन मिस इंडिया ग्लोब 2018 क्राउन? हिमाचल की वो कौन सी महिला है जिसने मिस इंडिया ग्लोब 2018 क्राउन का जीता था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वंदना ठाकुर। ये चंडीगढ़ के समीप जीरकपुर नामक स्थान पर कंडक्ट किया गया था, और इसमें हिमाचल की लड़की डॉक्टर वंदना ठाकुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन विच गेम दलीप ट्रॉफी
इज रिलेटेड। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट। दलीप ट्रॉफी एक राउंड रोबिन तहत के हिसाब से गेम खेली जाती है, क्रिकेट का एक ट्रॉफी है जिसमें भारत के अलग अलग भूभाग को डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, इनके आप बीच में आपस में मैच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? सूही फेयर किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है चंबा। सूही फेयर एक चंबा की चंबा में एक मंदिर है, नैना देवी मंदिर, उसमें मनाया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही, छोटे बच्चे ही शामिल होते हैं। जो नैना देवी एक रानी थी चंबा के राजा की, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी ताकि चंबा जिले तक पानी पहुंच सके, इसीलिए उनकी याद में सूही मेला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 97, एट विच प्लेस ऑफ द स्टेट द फेस्टिवल ऑफ बूढ़ी दिवाली इज सेलिब्रेटेड? बूढ़ी दिवाली हिमाचल के किस जगह से संबंधित है? तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर है नीरमंड। नीरमंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बूढ़ी दिवाली हिमाचल के कुछ और जगहों पर भी मनाई जाती है, जैसे सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी रीजन में, इसमें शिमला जिले का भी कुछ एरिया कवर होता है। इसके अलावा ये उत्तराखंड के जौनसर भवा रीजन में भी बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जब राम अयोध्या लौटे थे तो हिमाचल के पहाड़ों में जो लोग यहाँ पर राम के वंशज थे, या उन तक ये खबर एक महीने बाद पहुँची थी, तो उन्होंने एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई थी, तो इसलिए इसे बूढ़ी दिवाली का नाम दिया गया। बूढ़ी दिवाली जो तत्कालीन दिवाली का त्यौहार होता है, उससे एक महीने बाद जो अमावस्या पड़ती है, अगली अमावस्या जाहिर सी बात है एक महीने बाद ही पड़ेगी, तो उस दिन मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, पिन वैली नेशनल पार्क किस जिले से संबंधित है, किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में और कुल्लू में, कि लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क है और कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बड़ा बंगाल इज लोकेटेड? बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? बड़ा बंगाल एक हिमाचल का ट्राइबल एरिया है, ये स्थित है कांगड़ा जिले में। हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है विपिन परमार। विपिन परमार हिमाचल के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हिमाचल JBT का GK सेक्शन कवर हो चुका है। आई होप आपको यह पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक यू।